खंडवा इंदौर रोड से जब तलवार दिए घोड़ी पर सवार दो दुल्हने बारात लेकर निकली तो राहगीरों के कदम थम गए। ढोल धमाकों के साथ पाटीदार समाज की दुल्हने जब विवाह स्थल पर पहुंची तो यहां दूल्हे भी नृत्य करने लगे। आमतौर पर दूल्हों को बारात लेकर जाते हुए आपने देखा होगा, लेकिन दुल्हन घोड़ी पर चढ़कर दूल्हे के घर बारात लेकर जाए यह नजारा कम ही देखने को मिलता है। पाटीदार समाज की यह परंपरा बुधवार को शहर में आकर्षण का केंद्र रही। समाज की दो बेटियों का विवाह एक साथ हुआ। साक्षी पाटीदार का विवाह आनंद से हुआ तो सृष्टि पाटीदार ने शशांक के साथ सात फेरे लिए। इससे पहले दोनों दुल्हन ने बैंड बाजे के साथ घोड़ी पर चढ़कर बारात निकाली। बारात के विवाह स्थल पर पहुंचते ही यहां दूल्हे भी खुशी से झूमकर नाचते नजर आए। पाटीदार परिवार के इस विवाह समारोह में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इको फ्रेंडली इस विवाह के लिए पत्रिकाएं कागज पर प्रकाशित न करते हुए रुमाल पर छपवाई गई। रुमाल को दो बार धोने के बाद इसका उपयोग भी किया जा सकता है। साथ ही शादी में आए मेहमानों को 51 नीम, 51 पीपल और 51 तुलसी के पौधे बांटे गए। पाटीदार समाज में हमेशा ही वधुओं को वर के बराबर माना जाता है, इसलिए हम घोड़ों पे वधुओं की भी मतलब दुल्हनों की भी बारात निकालते हैं और उन्हीं के जैसे घोड़े पे बिठा के उनको घुमाते हैं। और हमारे इसमें मतलब पेपर पे रुमाल पे पत्रिका छपवाने का एक ये है कि जैसे संदेश की जैसे पत्रिकाओं में व्यथा जो खर्च होता है उसका उपयोग कैसे किया जाए, इसलिए हमने एक छोटी सी पहल शुरू की है कि अगर हम रुमाल पे छपवाए तो बाद में काम पे भी आ सकता है। और उसके बाद में हमने 151 पौधे जिसमें नीम, पीपल, तुलसी ये तीनों तरह के पौधे रखे थे कि जिन बारातियों को या जिन मेहमानों को जो पौधे लगे वो अपने घर में जाके उसे हरियाली के रूप में अपने घर में स्थापित कर सके। उसके अलावा हमने कपड़ों से बनी थैलियाँ जो रोटरी क्लब से ली थी वो उन्होंने सिलाई के खर्चे पर हमें दी थी और उसे हमने वितरित करके और प्लास्टिक को हटाने का एक छोटा सा संदेश भी देने की कोशिश की है ताकि हम प्लास्टिक को छोड़कर और कपड़ों की थैली यूज़ करें। कि जो दोनों दुल्हन हैं वो दोनों सगी बहनें हैं, दोनों बहनों का खर्च बचाकर और एक शादी में करने का यही तरीका है और दोनों बहनें बहुत इंजॉय कर रही है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दीपक पाटीदार जी। आपकी सिस्टर है? नहीं, मेरी भतीजी है। भतीजी, ठीक, थैंक यू।